नकली सोने की ईंट की बिक्री करने वाले गिरोह के सदस्य गिरफ्तार। मथुरा के थाना छाता कोतवाली पुलिस और स्वाट टीम की संयुक्त रूप बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में एक शातिर बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया। वहीं उसके दो अन्य साथियों को भी गिरफ्तार किया गया। वहीं इनके तीन अन्य साथी फरार हो गए। बताया जाता है कि दिल्ली के मुंडका थाना नागलोई जिला बिहारी ने नकली सोने की ईंट के नाम पर 25 लाख रुपए की ठगी की थी। ये गिरोह सोने की ईंट के नाम पर नकली सोने की ईंट देकर ठगी करते थे। छाता कोतवाली पुलिस और स्वाट टीम की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में शातिर बदमाश अली शेर उर्फ अली पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया। मुठभेड़ में कुल तीन शातिर बदमाशों को पकड़ने में सफलता हासिल की गई। पकड़े गए बदमाश शातिर ठग हैं, इन पर कई मामले दर्ज हैं। पकड़े गए बदमाशों में घायल बदमाश अली शेर को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। SSP शैलेश कुमार पांडे का कहना है कि थाना छत्ता कोतवाली पुलिस और स्वाट टीम ने नकली सोने की ईंटों के नाम पर ठगी करने वाले तीन बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक बदमाश अली शेर पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया। उनका कहना है कि अन्य फरार अभियुक्तों की पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। SSP का कहना है कि इस मामले में पुलिस ने 25 लाख रुपए ठगी किए हुए बरामद किए हैं। उनका कहना है कि इस मामले में एक महिला भी प्रकाश में आई है, जिसकी भी शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। बदमाशों को पकड़ने वाली पुलिस दल को 25,000 इनाम भी घोषित किया गया है। यूपी क्राइम न्यूज़ के लिए मथुरा से मुख्य संपादक मनोज तिरोही की एक खास रिपोर्ट। दिल्ली के रहने वाले एक व्यक्ति जिनका नाम राजवीर है, जो रिटायर्ड व्यक्ति हैं और रिटायरमेंट के बाद उनको जो धनराशि रिटायरमेंट के दौरान मिलती है, उस अमाउंट को रखने के उद्देश्य से जो नकली सोने की ईंट बताकर बेचकर जो धनराशि की ठगी करने वाला जो गिरोह है, उसने राजवीर जी के साथ ठगी की, जिसमें लगभग 1 किलोग्राम 300 ग्राम नकली सोने की ईंट बेचकर 25 लाख रुपए उनसे ठगी कर लिया था। और उसके उपरांत ये घटना उनके साथ 30 सितंबर को हुई थी, जब उनके साथ ठगी हुई थी, जिसमें उन्होंने 25 लाख रुपए दे के असली सोने की ईंट समझ के नकली सोने की ईंट उन्होंने एक गिरोह से खरीदी थी। और जब वो अपने घर वापस गए और जांच कराई जब उस ईंट की, और उन्हें पता चला कि ये फर्जी है, तब उन्होंने 3 तारीख को इसकी सूचना जो है स्थानीय थाने पर छाता को दी। तत्काल इसमें SPRA और CO छाता एक क्लोज सुपरविजन में स्वाट टीम और थाना छाता की टीम इसमें लगी। शुरू में मामला ये बिल्कुल अज्ञात में था और इसमें अच्छी कार्रवाई करते हुए 3 अभियुक्त इसमें गिरफ्तार हुए हैं, जिनके नाम जोगिंदर, धर्मेंद्र और अली शेर हैं। बीती रात इनके साथ मुठभेड़ हुई थी, मुठभेड़ में अली शेर घायल हुआ था। पूरे के पूरे 25 लाख जो इनके साथ ठगी हुई थी उसकी बरामदगी हुई है। साथ ही साथ अवैध तमंचे कारतूस भी बरामद हुए और साथ ही साथ जो ठगी का सोना था, जो वादी लेके आया था, वो भी हमारे पास है। मैं इसमें अवगत कराना चाहूँगा कि जिन व्यक्ति जो विक्टिम हैं, उनके यहाँ किराए पर रहने वाली एक महिला थी, उसको किसी ने संपर्क करके बताया था कि इस तरह से यहाँ ठगी वाले अपराधी रहते हैं, इनका एक गिरोह है। उस महिला को पता था कि ये व्यक्ति रिटायर्ड हैं और इनके पास पैसे हैं, तो उसने अपने संपर्की व्यक्ति के साथ साजिश रख के, जिसका नाम जोगेंद्र है, उसने प्लान किया ठगी करने का, जिसमें शुरू में एक सैंपल दिया गया जो कि असली था। उसको वादी ने चेक कराया, जब वो असली पाया तो लालच में आ गया और वो फिर इस गिरोह के, इस पूरे जो 7 सदस्यीय एक तरह से गिरोह है, इसके झांसे में आ गया और उसने 25 लाख दे के ये नकली ईंट असली समझ के परचेज की थी। इस पूरे घटना का अनावरण पुलिस टीम ने किया, साथ ही साथ इसमें 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की और पूरा का पूरा 25 लाख जो विक्टिम का ठगी गया था उसको बरामद किया। एक 33, जैसा मैंने बताया, 7 सदस्यीय गिरोह था, 3 लोग गिरफ्तार हैं, 4 लोग अभी फरार हैं, जल्दी उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे। साथ ही साथ इस पूरे गिरोह पे गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई विधिक तरीके से हम लोग सुनिश्चित कराएंगे।